What's up guys, welcome back to my channel और स्वागत है आपका जैसलमेर में। केसरिया बाल में पीहु प्यारी रावा जियावानी गाइज, आ गई हूँ मैं जैसलमेर सिटी में। हूँ मैं इस समय अपने हॉस्टल में, जिसके पीछे दिख रहा है मुझे जैसलमेर फोर्ट। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो दिख रही है डेजर्ट। जैसलमेर मैं पहुँची हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। मैंने ली थी दिल्ली धौलाकुआं से बस, जो कि जैसलमेर आ रही थी। कल रात 7 बजे बस ली थी, सुबह 12:30 बजे उसने मुझे छोड़ा है। कॉस्ट लगी मेरी 1800 रुपये, स्लीपर था जिसमें मैं आई। और अभी आकर मैं यहाँ पे सबसे पहले लंच करूँगी, उसके बाद मैं आगे सब सर्विसेज अपनी स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पर रुकी हूँ वन बिन सफारी सर्विसेज में। इसी हॉस्टल ने मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, स्टे भी यहीं है मेरा, और इन्हीं से ही मैंने डेजर्ट सफारी ली है जो मैं आगे जाके करने वाली हूँ। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ ये हॉस्टल कितना प्यारा है। अगर आप आते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा एम्बियंस, इतना प्यारा रूफटॉप है, यहीं पर आइए। और यहाँ पर एकदम चिल राजस्थानी वाइब के साथ साथ आप एक अच्छा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी देख सकते हैं विद अ व्यू ऑफ दी फोर्ट। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस हॉस्टल को। डबल बेड है मेरे पास, कर्टन, फैन, ये बंक बेड्स अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट 4 लोग एक साथ इस रूम में रह सकते हैं। मिरर, टीवी एंड गुड ग्रीटिंग्स अगेन। साथ में अटैच बाथरूम है, बेसिक है। बेसिक रूम है लेकिन सारी फैसिलिटीज मीट करता है। तो अब प्लान ये है, लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, कुछ खाते हैं राजस्थानी ऑथेंटिक कुछ खाते हैं। तो चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी से मैं स्वेट करने लग गई हूँ। तो अभी जस्ट हॉस्टल से निकल के जा रहे हैं, कुछ खाते हैं पहले, फिर उसके आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं खुद सिटी को, देखते हैं। मेरे हॉस्टल से एकदम बाहर निकलते ही सामने मेरे को फोर्ट व्यू मिल जाता है। तो मेरे को इतना दूर नहीं है फोर्ट, सब साथ साथ ही है। और क्योंकि हम जैसलमेर में हैं, बहुत गर्मी है इस समय यहाँ पे। ये देखो, एक मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गया, अरे गया। क्यूट पपी है, उसको बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बात नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी देखें, यहाँ पर कुछ है खाने पीने की शॉप्स, चल के देखेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है, बहुत सारी सफारी डेजर्ट कैंप्स, बहुत सारी सफारी डेजर्ट कैंप्स की ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको, जगह जगह है यहाँ पर। तो अगर आप अपने हॉस्टल या कहीं से नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मेरे पीछे है गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड भांग शॉप। तो अगर आप पहले आए हैं कभी, आप
भी जानते होंगे, जस्ट फोर्ट से बाहर आते हैं तो ये भांग शॉप है, काफ़ी पॉपुलर है, लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे मास्क पहनना बहुत मैंडेटरी है, पुलिस घूम रही है, चालान हो जाएगा। तो चलते चलते मैं अभी रुकी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, मैं थोड़ी सी शॉप में आई हूँ, अलग अलग टी शर्ट्स, हैट्स, वगैरह है, टेबल रनर है, टेबल रनर है, टेबल पे लगा दो, वॉल पे लगा दो, कहीं भी, और कलर से आ जाते हैं इसमें। तो पूरा राजस्थानी स्टाइल का सब कुछ है यहाँ पर, बेल्ट गार्ड रनर भी है, ये आपको अपने थोड़े उसके लिए चाहिए। मैंने अभी खरीदा है अपने एक टी शर्ट और एक आपको दिखाई उसी भांग शॉप के एकदम सामने, आप सीधा आइए वहीं पर आपको शॉप दिख जाएगी, और सब रीजनेबल है, कोई इतना महंगा नहीं है, सब कुछ रीजनेबल प्राइस पर है। एक रेस्टोरेंट दिखा है जिस शॉप के सामने, चंदन श्री रेस्टोरेंट। तो चलते हैं कुछ खाते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस तो काफ़ी दिख रही हैं, चलिए अंदर चल के देखते हैं। फिर रेस्टोरेंट ऊपर, तो अभी इस रेस्टोरेंट में आई हूँ, मैंने राजस्थानी थाली ऑर्डर करी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे, 200 रुपये की राजस्थानी थाली है, बट आई थिंक बहुत सारी आइटम्स हैं उसमें खाने के लिए, तो शायद कवर अप हो जाए। अभी थाली आती है तो आपको दिखाती हूँ कैसी है, फिर देखते हैं। आ गई है मेरी थाली, इसमें पापड़, रायता, सब्जी, कट्टे की सब्जी, चावल, पनीर, रोटी, ये भी कुछ सब्जी है। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैं खा रही हूँ आपका स्पेशल लड्डू। ये लड्डू स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बूंदी को पूरी तरह से पूरा मैश करके उसके बाद बनाया। बूंदी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, वेरी नाइस। तो जो अभी मैंने लड्डू खाया जिसके बारे में बात कर रही थी, उसको बोलते हैं घोटमा लड्डू, उसमें बूंदी को घोट के बनाया जाता है, यहाँ की स्पेशलिटी है। और ये जगह पर मैंने खाया है, चंदन श्री रेस्टोरेंट, एकदम फोर्ट की एंट्री के एकदम सामने है, बहुत अच्छी जगह है, फूड अच्छा था, टेस्टी था। राजस्थानी थाली ली थी मैंने, 200 रुपीज़ की थाली थी और वर्थ थी, सब कुछ था, पूरा पेट भर गया उसको खा के। अभी मैं एकदम फोर्ट के सामने आ गई हूँ, फोर्ट की एंट्री यहाँ से है, यहाँ से भी जा सकते हैं फोर्ट के अंदर, चारों तरफ से एंट्री है, ये एक्चुअली सारी मार्केट है, यहाँ इधर भी मार्केट है, ये भी मार्केट है, फोर्ट के चारों तरफ आपको मार्केट। चलो चले आप फोर्ट के अंदर देखते हैं। फोर्ट के अंदर एंटर करते ही आपको पूरा वो व्यू दिखता है, एंड यू आर लाइक मेसमराइज्ड, वाह क्या व्यू। मार्केट भी है फोर्ट के यहाँ पे एंटर करते ही, मार्केट में भी थोड़ा सा आप अगर शॉपिंग करना चाहते हो तो। के अंदर आप जैसे जैसे जाते जाओगे ऐसा लगेगा कि आप पुराने दुनिया में लौट गए हो। यहाँ पर अलग अलग गेट्स है, एंट्री है, एंट्री करते हुए जाओ। अगर आप मेरे आसपास देख रहे होंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो है एंटर करने के लिए। तो अभी हम लोग फोर्ट के अंदर नहीं जा रहे, मैं यहीं से ही वापस जा रही हूँ सनसेट पॉइंट के लिए। तो अभी सनसेट पॉइंट पर जाएंगे, फिर देखते हैं कि अगर हम आ पाते हैं फोर्ट पे वापस तो हम आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ और जाएंगे सनसेट पॉइंट की तरफ, और मेरे साथ हैं वोनविन जो मेरे हॉस्टल ओनर हैं और कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे ट्रिप के। मैं पूरी ट्रिप डिटेल्स आपको दूंगी, पूरा ट्रिप इन्होंने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। तो अब मैं आ गई हूँ बड़ा बाग, आई हूँ यहाँ पर सनसेट देखने के लिए। इस जगह की एंट्री फ़ीस है, अगर आप इंडियन हैं तो 100 रुपीज़ आपके लिए एंट्री फ़ीस है, अगर आप फॉरेनर हैं तो 1100 आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर आपके पास कैमरा है या मोबाइल से भी फ़ोटो खींचनी है उसके भी आपको 150 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। तो एंट्री टिकट 100 है यहाँ आने की बड़ा बाग में, और 150 आपको साथ में एडिशनल कैमरा या मोबाइल फ़ोन किसी से भी फ़ोटो खींचने के लिए आपको देने पड़ेंगे।
टिकट हमने दिखा दी है, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो बड़ा बाग बेसिकली एक सिमेट्री है, यहाँ पर जैसे उस टाइम पे बहुत राजा महाराजाओं के बाद जो आगे लोग आते हैं उनकी डेथ होती थी, उनको कहीं दफनाना होता था, तो ऐसे इनके लिए ये बनाई गई है जगह। और ये छतरीज हैं बहुत सारी बनी हुई, लोग शाम के टाइम पे यहाँ पर आते हैं सनसेट देखने के लिए। अब जैसे जैसे सन नीचे जाता जाएगा, इनके ऊपर देखिए सैंडस्टोन के ऊपर सन का कितना अच्छा इन्फ्लुएंस आता जा रहा है। तो अभी वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सन वहाँ पर है, हमारे भी सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो गोबिन इज टेलिंग मी दैट ही इज़ नॉट अ रियल गाइड बट ही इज़ ट्राइंग टू बी अ गाइड। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे और वहाँ से सनसेट का व्यू लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पे। अभी मैं बड़ा बाग में हूँ, यहाँ पे सनसेट हम व्यू कर रहे थे। एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर ने अच्छा लग रहा है सनसेट इन छतरियों के बीच में से। Amazing place. बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है यहाँ पे, कोई शोर वोर नहीं है, बस दूर आपको विंड मिल्स दिखेंगी, सनसेट होता हुआ दिखेगा, और ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर हमारा कल्चर। हालांकि है ये सिमेट्री एक, लेकिन फिर भी इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे बहुत। और कूल है, सबसे बड़ी बात, यहाँ अंदर आप आएंगे आपको थोड़ा ठंडक का एहसास होगा। बाहर बहुत गर्मी है, पूरा रेगिस्तान है चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कूल है। अभी वन बिन ने भी बताया है कि जितने भी लोग आते हैं बाहर से, टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरनर्स जैसलमेर आते हैं सनसेट के लिए, वो लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। सो जब भी आप आएँ डोंट मिस दिस प्लेस। जैसे मैंने बताया इस जगह की एंट्री फ़ीस है, सो डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड कि एंट्री फ़ीस है तो हम नहीं आएंगे। इट्स वर्थ इट, अगर आपको अच्छा सनसेट व्यू चाहिए, पीसफुल जगह पे आना है, यू शुड कम हियर। और अब देखेंगे वो जो एरिया वहाँ दिख रहा है, पहले ये सारा लेक था, अब पानी को सुखा के यहाँ पे खेत बना दिया है।